खबरों में बात करते हैं बुलंदशहर के जहांगीराबाद की, जहां पर गांव चचराई में एक निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बसपा जिला प्रभारी आजाद प्रधान ने फीता काट कर किया। कैंप में शारदा हॉस्पिटल नोएडा से 7 सदस्य था डॉक्टरों की टीम ने लगभग 300 मरीजों को चेकअप करते हुए मुफ्त दवाइयां भी बांटी। क्या मकसद है इस कैंप का? ये शारदा हॉस्पिटल नोएडा से पूरी टीम आई हुई है डॉक्टरों, और इसका मकसद है कि जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता है या अच्छे से वो अच्छे अस्पतालों में न पहुँच पाते हैं, उसके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की गई है। इसकी पहल हमारे नगर अध्यक्ष परवेश भाई, छोटे भाई वसीम भाई और ये सारे लोग कस्बे के कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी इनकी पहल है। इसमें फ्री इलाज कराया जा रहा है लोगों का, ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए जिनसे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। कैंप तो लगा, कौन से हॉस्पिटल से लगा, कितनी टीम लोग आई हैं आप? ये कैंप जो है हमारा शारदा अस्पताल की तरफ से लगा, हम 7 लोग आए हैं, तो यहाँ दवाइयाँ और जांच वगैरह जो है। मरीज लोग आपने चेकअप करा? अभी तो हमने 150-200 मरीज देखी है, और अभी और भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आर्यन। देवरिया जनपद के बनकटा थाना क्षेत्र की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 लुटेरों को मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। बीते माह इन लुटेरों ने बनकटा थाना अंतर्गत रामपुर के बुजुर्ग स्थित एक सहज जनसेवा का संचालक से 2,40,000 रुपए एक मोबाइल लूट की। वादी ने इसकी लिखित सूचना बनकट थाना को दी थी, जिसके चलते आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दस दिनों इस जनपद के थाना बनकटा में एक जन सेवा केंद्र पे लूट की घटना कारित हुई थी। उस घटना में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्तों के कब्जे से 58,000 रुपये बरामद हुए हैं। जो जन सेवा केंद्र से मोबाइल लूटा गया था उसके 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन्हीं बदमाशों द्वारा सारण में एक लूट अगस्त महीने में की गई थी, वहाँ से ATM वगैरह सब ये लूट लाए थे, वो ATM बरामद हुआ है। इस प्रकार वहाँ की एक घटना सारण की और एक बनकटा की घटना का अनावरण हुआ है। इसमें बनकटा की पुलिस और हमारे यहाँ की SWAT पुलिस ने अथक परिश्रम करके ये केस खोला है। इस केस के सफल अनावरण के दृष्टिगत ADG गोरखपुर जोन महोदय द्वारा पूरी टीम को 15,000 रुपये तथा ADG रेंज महोदय द्वारा 10,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। मैं इसमें एडिशनल SP साहब और CO साहब को एक कमेंडेशन लेटर DGP महोदय से दिए जाने हैं, यहाँ से संस्कृत करके भेजूँगा। इस घटना के सफल अनावरण से उम्मीद है कि उस क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं में पर अंकुश लगेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाएँ होंगी। अभियोग में 2 अभियुक्त सिवान जेल में 5-6 दिन पहले बेल तोड़वा करके एक अन्य लूट की घटना में जेल चले गए हैं, उन्हें पुलिस कठिन रिमांड पर लेंगे और शेष जो रुपए हैं उनसे बरामद करने की हमारी पूरी कोशिश होगी और रुपए बरामद होंगे। भ्रष्ट कोटेदार रामशंकर की जांच करने पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर। कोटेदार की मनमानी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में SDM ने संज्ञान में लेते हुए पूर्ति निरीक्षक को दिया जांच का आदेश। आपको बता दें, मामला कुशीनगर के ग्राम रामपुर बरहन के कोटेदार रामशंकर द्वारा मनमानी और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। रामशंकर कोटेदार है, कहाँ राशन देता है? 6 महीने हो गए राशन देने में, जब जाते हैं तो कोई 2 आदमी परिवार के नाम से है, वो जाती है तो उसको भगा देता है, हम जाते हैं तो हमको भगा देता है, कहते तुम्हारे आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, अंगूठे नहीं उठाता है, 50 बार यही बात बोलता है, लेकिन वो चले आते हैं। उसको दिन हो गया, उसमें नाम बोल रहा है आपका? हाँ, नेट पे से दो बार जाकर नेट पे निकलवा के उसको घर पहुँचाए हैं, आधार कार्ड 2 कॉपी करके उसको घर पहुँचाए हैं, वो भी नहीं दिया अभी। क्या नाम है आपका? नहरुस मियाँ। सप्लाई इंस्पेक्टर जो है आ करके जांच किए हैं, रामाशंकर कोटेदार जो है वह जो है हमारे यहाँ के लोगों को 5 महीना 6 महीना 4 महीना 2 महीना इस तरह का गला दिया ही नहीं है, अंगूठा लगा लिया है और गला नहीं दिया, इसमें सारे लोग परेशान हैं। उसके उसी पर जो है DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया था,
SDM साहब के यहाँ दिया गया था, उसी को लेकर के जो है वो जो है आए थे जांच में, यहाँ पर जांच हुई है और 16 लोगों का लोगों ने बयान भी दिया है, अपने कार्ड धारक हैं, इनका जो है कार्ड भी जांच किया गया, उसी में जो है यहाँ पर आज की पूरा रिपोर्ट दिया गया है। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप लोग? कार्रवाई नहीं हुई तो आगे कार्रवाई फिर करेंगे, हम फिर सूचना करेंगे SDM साहब को या DM साहब को। क्या नाम है आपका? लुकमान अली।